हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपको यहाँ पे एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप ये पढ़ के जाएंगे तो इससे पक्का आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे आपके जेएनयू के पेपर में। तो प्लीज़ इस जेनेटिक क्लासिफिकेशन को, जो कि ड्रेनेज पैटर्न से रिलेटेड है, यानी कि रिवर से ही रिलेटेड है, रिवर सिस्टम से रिलेटेड है, उसी का एक पार्ट है। और ये एक ऐसा पार्ट है जिससे कि हर एक साल जेएनयू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें आपको जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज पैटर्न जो कि WM डेविस द्वारा दिया गया था, उसे बार बार क्वेश्चन पूछा है। और पिछले साल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप बताइए कि इनसिक्वेंट, सबसिक्वेंट और इन सब में क्या डिफरेंसेस है जो रिवर्स होती हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं जेनेटिक क्लासिफिकेशन की, जो कि ड्रेनेज पैटर्न से रिलेटेड है और WM डेविस द्वारा दिया गया है। तो देखिए, WM डेविस ने टोटल 7 प्रकार के रिवर्स के बारे में बताया था उन्होंने जेनेटिक बेस पे। जैसे कि पहला उन्होंने बताया था कंसिक्वेंट रिवर्स। उन्होंने बताया कि ये वो रिवर होती हैं जिनकी कोर्स, द कोर्स इज डिटरमिंड बाय द ओरिजिनल कोर्स ऑफ द लैंड एंड ऑफन सीन ऑन द हिल साइड्स फ्लोइंग स्ट्रेट डाउन द स्लोप एंड फॉलोइंग पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। समझ में आया आपको? मतलब कि ये जैसा स्लोप होता है उसी के अकॉर्डिंग ये बहती है, कोई अपना डायरेक्शन, कोई अपना स्लोप का डायरेक्शन चेंज नहीं करती है। दैट इज द कंसिक्वेंट रिवर्स। दूसरा रिवर आती है सबसिक्वेंट रिवर। डायरेक्शन ऑफ फ्लो कंट्रोल्ड बाय रॉक स्ट्रक्चर मींस अ रिवर विच फॉलोज अ जोन ऑफ वीकनेस सच एज फॉल्ट एंड ज्वाइंट्स। मतलब वो रिवर जो कि फॉल्ट के जरिए, किसी ज्वाइंट के जरिए बहती है, उन सारे रिवर्स को हम यहाँ पे सबसिक्वेंट रिवर्स बोलते हैं। और ये इन्होंने बताया था, यानी कि WM डेविस ने बताया था। थर्ड रिवर पे देखते हैं इनसिक्वेंट रिवर्स। इनसिक्वेंट रिवर्स वो रिवर होती हैं जैसे इफ देयर इज नो रीजन व्हाई इट इज फॉलोइंग सच पाथ, सच रिवर्स बिकम डेंड्रियाटिक पैटर्न। सच रिवर फॉर्म्स डेंड्रियाटिक पैटर्न विथ ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम ऑल साइड्स। तो समझ लीजिए, जो रिवर डेंड्रियाटिक पैटर्न बनाती है, मतलब उसके चारों तरफ से आके वहाँ पर ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, और ये नहीं समझ में आता है कि ऐसा पैटर्न ये क्यों फॉलो कर रही है, तो उस प्रकार की रिवर को हम बोलेंगे इनसिक्वेंट रिवर। देखिए, मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, कहीं भी इतने इजी लैंग्वेज में आपको नहीं मिलेगा लिखा हुआ इन सारे रिवर्स के डिस्क्रिप्शंस के बारे में। नेक्स्ट आता है आपके पास में ऑबसिक्वेंट रिवर्स। ऑबसिक्वेंट रिवर्स फ्लो इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द ओरिजिनल कंसिक्वेंट स्लोप्स। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो कंसिक्वेंट रिवर होती हैं वो स्लोप के अकॉर्डिंग बहती हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, और जो ये मैंने बताया था आपको ये, लेकिन जो ऑबसिक्वेंट रिवर्स होती हैं वो स्लोप के अकॉर्डिंग नहीं बहती है बल्कि उसके ऑपोजिट बहती है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास में आता है रीसिक्वेंट रिवर्स। दोज रिवर्स विच फ्लो इन द सेम डायरेक्शन एज कंसिक्वेंट रिवर्स बट एट अ लोअर लेवल। समझ लीजिएगा, कंसिक्वेंट रिवर क्या, अब यहाँ पे समझिए, कंसिक्वेंट रिवर्स क्या होती हैं? वो रिवर होती हैं जो कि स्लोप के अकॉर्डिंग बहती है, यानी कि सबसे ऊपर वो होंगी और नीचे की ओर बहेंगी वो। लेकिन वैसे ही आपका यहाँ पे रीसिक्वेंट रिवर्स भी होती हैं, लेकिन ये क्या होती हैं, उससे लोअर में ओरिजिन होती है। मतलब मान लीजिए कि अपर साइड में आपका कंसिक्वेंट रिवर बह रही है, तो उसी के जस्ट नीचे और उसी के पैरेलल ये बहते रहेगी और बाद में आके उसी रिवर में बहुत दूर बाद में आके मिल जाएगी। इसी को बोलते हैं रीसिक्वेंट रिवर्स। नेक्स्ट रिवर आपके पास में आती है एंटीसीडेंट रिवर्स। देखिए यहाँ पे, दिस इज द एंटीसीडेंट रिवर्स। एंटीसीडेंट रिवर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इफ द कोर्स ऑफ रिवर प्रीडेट्स द इलेवेशन ऑफ द माउंटेन और रीजेस एंड येट मैनेज टू कीप इट पाथ। समझ में आया कि नहीं आपको? देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि माउंटेन रेंजेस और माउंटेन रेजेस के भी अकॉर्डिंग ये जो रिवर बहती है और अपना पाथ नहीं बदलती है, उसी के अकॉर्डिंग बहते रहती है, उस रिवर को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर। नेक्स्ट रिवर सुपर इम्पोज रिवर्स। देखिए इसमें क्या है, इफ द फोल्डेड रॉक्स वर कवर्ड बाई हॉरिजॉन्टल लेयर्स अपॉन विच द रिवर्स took इट ओरिजिनल कोर्स एंड देन द रिवर इरोड्स इट्स चैनल डाउन into underlying ridges, that is the known as सुपर इम्पोज रिवर। यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर इरोड की बात कर रहा है, इरोजन की बात कर रहा है। ये रिवर ऐसी होती है जो कि हाईली इरोजन एक्टिविटी दिखाती है, दैट इज द सुपर इम्पोज रिवर्स। तो आपके पास में ये 7 रिवर्स हैं, ये याद करके जाइएगा। देखिए रीसिक्वेंट में आपको क्या करना है, रीसिक्वेंट वो नदी होती है जो कि कंसिक्वेंट के तरीके से ही होती है लेकिन उससे लोअर लेवल से ऑरिजिन होती है, और कंसिक्वेंट वो होती हैं जो कि स्लोप के अकॉर्डिंग बहती है। तो दो तो आपके पास पक्का हो गया, दो तो आपको याद ही हो गया, सिंपल सी बात है। सेकेंड जो है वो, थर्ड वाला जो है वो होता है सबसिक्वेंट रिवर। सबसिक्वेंट वो होती हैं जो कि किसी फॉल्ट के जरिए, किसी जॉइंट्स के जरिए बहती हैं, दैट इज द सबसिक्वेंट रिवर, सिंपल सी बात है। उसके बाद में आती है इनसिक्वेंट,
तो इन सीक्वेंट में मैंने आपको बता ही दिया वो रिवर जो कि डेंड्रियाटिक पैटर्न बनाती हैं और उसमें ढेर सारे ट्रिब्यूटरीज होती हैं चारों तरफ से आके मिलती है, उसको बोलते हैं हम इन सीक्वेंट रिवर। एंड अब सीक्वेंट रिवर मैंने बता दिया था जो कि स्लोप के अकॉर्डिंग बहती है, दैट इज द अब सीक्वेंट रिवर। तो ये आपके पास में कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको पढ़ के जाना होगा। अब देखिए इसमें से पक्का आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे ही आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ ऐसे ही अलग सेक्शन बताऊंगा जो कि आपके जेएनयू के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है, होने वाला है। थैंक यू सो मच।